अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकार रेजिंग की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा स्टाफ शहबाज भाई के गोदाम पर और तैयारियाँ हो रही हैं गाड़ी में इंजन डलने की। इंजन आपको दिखाऊँ तो ये सामने मौजूद है हमारा 4GR। तो सारा कुछ जो जो सामान उसका था वो सारा इकट्ठा हो रहा है, उसमें फिट हो रहा है, लग रहा है, वो पूरा सेटअप एक तैयार हो रहा है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और गाड़ी हमारी ये खड़ी है, तो बोनट उतरा हुआ है, यानी कि फुल। कल मैं गाड़ी देखी क्यों, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। तो शहबाज भाई ने माशाल्लाह काम की स्पीड लगाई हुई है, तो इसका काम शुरू हो चुका है और बोनट उतरा हुआ है और ये बाकी जो इसके क्लच के वो सिलेंडर वो सारा कुछ उतरा हुआ, अंदर उतार के रख दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो उतार दी हैं। अब जो काम की चीज़ें वो इसमें लगी हुई हैं और अब चलते हैं आपको इसका इंजन दिखाते हैं जाके। तो फिर इंशाल्लाह ये जो है आज की वीडियो अगर मुकम्मल ना हो पाई तो अगला पार्ट जब मेरा दोबारा इस पर चक्कर लगेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये सामने इसका इंजन पड़ा हुआ है। ये राजी K70 का इंजन है, ये मार्क एक्स में आता है, V6 2500 cc। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? शहबाज भाई, ये इसका कंप्रेसर कहाँ पे होता है? ये कंप्रेसर इसी के लिए? अच्छा, यानी कि ये आज ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा पूरा इसका फिटिंग। अच्छा, अभी रखेंगे चार बीटेक लगे हैं इसमें। एक दो तीन, ये सारा कुछ ऑन होगा इसका। चार क्या बीटेक लगे हैं? अच्छा शहबाज भाई, इसकी ना वो थ्रॉटल बॉडी गंदी होगी तो वो साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी। प्लग और कॉइलें चेक कर ली हैं आपने इसकी? ये खुला कब पे भाई? साइड में मोबाइल के देता तो वही ठीक है। प्लग नहीं देखे हम? प्लग साफ चेक करो ना भाई, उधर अंदर से देख लो ना, खाली अंदर को देख इसका, ये देखो इधर से चेक करो कितना साफ है, साफ है अंदर देखो। इसे पता लग रहा है कि भाई ये देख रहे हैं, गुड लाइट मारता हूं मैं सवाल। ये देखो कितना साफ है अंदर से, तो कसम दे देते हुए कहा तेरे पे ना कि गरा कर जाबो कसम मां तपक आगा बवस आगा बवस को दो इस नंबर आगा बवस को दे जीआर बेजाय और तरीबुना कड़ी पागल है खाओ ये देखिए मां का हां जगह तो उसमें बहुत है। नहीं नहीं, बाहर तो लोगों ने इसमें रोटरी इंजन डाले पटवार में, चौड़ाई में बहुत बड़ा ये इंजन, ये इस तरह बड़ा है, इस तरह जांच लगेगा सारा खुलेगा, ये चौड़ाई में बहुत बड़ा है, उसमें इतना जगह नहीं, इस तरह ये बड़ा लोगों ने सेंटर में नहीं है, वो जो है ये लंबाई में भी बहुत बड़ा है। विटारा आती है ना V6 वाली, वो V6 उसमें डाला हुआ है, वो सही है उसमें फिट आ जाती है, लोगों ने रोटरी इंजन भी डाला है, 1600 cc इंजन लगा होता है ना जिसमें, उसमें फिट हो जाता है। नहीं मैंने देखा है विटारा का ना V6 2500 cc वो डाला हुआ है अगलों ने पोटार में जिमनी पर गोरों ने, खबर में 1600 cc वाले इंजन डाला था, लेकिन ये जो है ना ये फिर बॉडी का जो है ना वो सब बैलेंस खराब कर देगा। अच्छा बॉडी का माँ बैंड हुआ है वो बिल्कुल एक हम एपेक्स में नहीं है, 1G डाल के दूंगा, लेकिन वो पर तुमने खाली इस तरह खड़ी करनी है, शो शो आपके लिए फिर लोगों को दिखाओगे कि ये हमने डाल है एपेक्स में ये डाल। अच्छा इसकी सस्पेंशन भी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या कॉइलओवर्स डालने पड़ेंगे या क्या करना है? अल्टरेशन थोड़ी सी उसकी करनी पड़ेगी, तो बैठ जाएगी। हाँ जी,
गाड़ी से पहले मैंने तैयार की थी वहाँ। अच्छा आते ना तो वो M18 नहीं 1600 उसको मैंने फिट किया था नीचे 96 का सामान सारा नीचे सस्पेंशन पे लगाया था टर्बो। अच्छा। का इंजन लगाया था 16 वाल्व टर्बो उसमें लगाई वो टोयोटा का। हाँ टोयोटा का। अच्छा और सारी मैंने उसको तैयार रोटरी इंजन डाला। अच्छा वो हैदराबाद से पेशावर हैदराबाद से बंदे आए थे वो ले गए। सही चल रही है। एवरेज क्या देती है टर्बो पे? टर्बो में वही 7-6 रोटरी। इस पे इस पे अंदाजन क्या एवरेज देगी? 82 दे देगी 10 एक दे देगी। हल्की है ना वो गाड़ी? हाँ जी गाड़ी तो हल्की है। इसको रखना भी खाली है अंदर कुछ डालना भी नहीं है। रोटरी इंजन 13V टर्बो। मैं इसके एग्जैक्ट बता दूँ कितने हॉर्स पावर है। शहबाज भाई इसके साथ वो हेडर नहीं है? हेडर नहीं है वो जो पाइप निकला होता है यहाँ तक कटा होता है ना? है ना होगा ना वो तो बाद में लगाएंगे जब गाड़ी एग्जॉस्ट है। वो बाद में लगाएंगे। अच्छा अच्छा इसके बगैर तो हाँ जी कंटेनर से निकले ना इस तरह की जोड़ी कोई किसकी जिस तरह का रखा है ना इस तरह की कोई जोड़ी निकला है ना? अच्छा जोड़ी हो ना एक जैसे हो क्योंकि इसके तो दो पाइप निकल रहे हैं ना। A few minutes later. हम जा रहे हैं इंजन के फाउंडेशन चेक करने। आपको भी दिखाते हैं इसके फाउंडेशन कैसे हैं। अच्छा ये फाउंडेशन है तो ये उस पे कैसे फिट आएगा? इसके नीचे कुछ और लगेगा? इसके ये नीचे स्टड देखो ना। अच्छा अच्छा हाँ ये आयल वाला फाउंडेशन नहीं करेगा ना? इसके एग्जॉस्ट भी है? एग्जॉस्ट होंगे ना दोनों लगेंगे। वो बोतल एक और भी साइड पे लगी है। दो फाउंडेशन इसके होते हैं। अच्छा शहबाज भाई इसका गियर वाला फाउंडेशन कहाँ पे लगेगा? ये इधर नीचे लगता है। अच्छा यहाँ से वो नीचे पे लगा है इंजन गाड़ी में रखने थी ना तो जी जी छोटी गाड़ी होती है। अच्छा गियर के बस एक फाउंडेशन सही ये है कि अभी लिफ्टर लेके आ रहे हैं और बेल्ट बांधे जा रहे हैं इंजन पे फिर इसको उठाएंगे और उठा के गाड़ी के पास लेके जाएंगे। गाड़ी उधर आगे खड़ी हुई है तो आपको भी साथ साथ सीन दिखाते हैं। लिफ्टर आ गया और अब इसको इंजन को उठाएंगे और लेके गाड़ी के पास जाएंगे। ये वाला सीन बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का था। मुझे नहीं पता था कि आज गाड़ी में इंजन फिट होगा। मैं तो कुदरती वैसे आज गाड़ी देख रहे हैं मैंने कहा जाके देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं समझा इसका काम आराम से स्टार्ट होगा लेकिन ये तो आज इसमें इंजन भी फिट हो रहा है तो मैं आया हूं तो मुझे पता चला कि जी आज इंजन जोड़ा था मैकेनिक साहब लगे हुए थे और अभी ये गाड़ी में भी डाल गया। नहीं तो मैं पहले आपको बता गया था कि भाई इस तरह का सीन आज इंजन डाल रहा है ये वो तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था और आप लोगों के लिए भी ये सरप्राइज़। तो अभी थोड़ा सा फंसे हुए हैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद ना फिर इसको अंदर घुसा देना है।
अभी वो जैक शेक लगा के वो गेट बिल्कुल ज़मीन के साथ लगाना, उसको ऊपर करेंगे। असल में गाड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप है आगे से ना, तो जितनी ड्रॉप हो सकती है उतनी हुई हुई है, और हुई हुई भी लोडिंग्स पे यही मसला है। तो ये मसले मसाइल इसी वजह से आ रहे हैं, गाड़ी थोड़ी सी ऊँची होती तो ये आराम से फिट हो जाता। तो ये अब जितने देर इस पर लगती है उतनी देर मैं वीडियो बंद करता हूँ, उसके बाद जब दोबारा इसकी फिटिंग स्टार्ट होगी तो फिर मैं चलाऊँगा। मैं आपको बचाना, अपने आप को बचाना, थोड़ा सा काटने लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओ भाई ये प्यासे भी आपने इसके भरने हैं, मेरे मेरे पास तो है नहीं। यार आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनी। क्या हुआ है? मेरी तो बाहर खोरे खड़ी है, पता नहीं किसकी है, मैं तो वीडियो बनाने आया हूँ। है शहबाज भाई, किसी और गाड़ी में इसके छत्तर वाले लगे हैं। इसकी ये पॉइंट कटेंगे जो ऊपर गाड़ी के ऊपर वाले हैं, जिस पे अभी ये पड़ा हुआ है, ये कटेंगे, ये अंदर जाएगा। अच्छा अभी अंदर जाना है इसे। खबर हो रहा है तो चैंबर कट के की मख के राजी खान ऊपर का सेशन कीजिए, इसके चैंबर में सेशन हो गया। अच्छा और इसकी गाड़ी भी थोड़ी सी दो दो इंच नीचे जाती है गाड़ी। उर्दू में बात करें समझ नहीं आ रही। नीचे जाएगी। अच्छा और ये चैम्बर इसका आगे आएगा। अच्छा तब जाके ये बैठेगा। चैम्बर न तावेगी, चैम्बर पर कटकी के मख तबर आए। ये हेलीकॉप्टर भी खड़ा है ना, ये है ना। ये है ना। करो करो वो कहते मेरी ना बनाओ 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 उसका ब्रेक का बनाओ। देख देख एक्शन एक बार फिर एक बार जो है वो निकलता डलते रहेंगे, क्योंकि अभी ये अल्ट्रेशन वाला काम है और इसका यही सीन है कि निकालेंगे डालेंगे चेक करेंगे बैलेंस करेंगे और इस तरह के सारे मामलात होंगे। तो ये एक भाई हैं, सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, कल मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है, ये भी इंजन स्वैप करवा रहे हैं अपनी कोरे में, शहबाज भाई के पास लाए हुए हैं गाड़ी। और कुछ इस तरह के हालात हैं भाई के, बगैर परमिशन से बना रहा हूँ वीडियो। भाई जन वीडियो देख रहे हैं तो पहले एडवांस में सॉरी आपसे, उस दिन मैं कल आपसे पूछना भूल गया था। तो बहरहाल मैंने कहा ये भी गाड़ी दिखा दूँ, तो इसमें भी जो मैंने नॉन टर्बो डलवाया था वो वाला इंजन डल रहा है, तो ये भी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। बाकी हमारी गाड़ी जो है वो मकैनिक से बात हुई है, तो मकैनिक कह रहे हैं कि कल तक ना इंशाल्लाह उसमें इंजन जो है वो फिट हो जाएगा। ये खैबर खड़ी है इसमें वो विड्स वाला इंजन डल रहा है, तो हमारी गाड़ी जो है वो कल तक फारिग हो जाएगी। बाकी सॉरी फारिग नहीं होगी, इंजन फिट हो जाएगा उसमें, बाकी फिर वो इलेक्ट्रिशियन का काम होगा और वो ये जो अजमल भाई आए थे ये करेंगे, अगर कोई और आया तो वो भी आपको दिखा दूँगा। दोबारा ये सामान अभी जो है फिर ये कंटेनर वगैरह खुलना शुरू हो गए और सामान आना शुरू हो गया, ये इंशाल्लाह हफ्ते और इन सारा बिक जाएगा।
तो हफ्ते वाले दिन आपको अलग से एक ये कंटेनरों वाली वीडियो भी आया करेगी अब तो। बाकी अब देखते हैं, अगर कोई सीन बनता तो आपको दिखा देंगे, नहीं बना तो फिर इंशाल्लाह वीडियो को यहीं पे आज की एडिंग करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो लंबी वीडियोस का फिर मज़ा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं लंबी वीडियोस तो मैं लंबी डाल दिया करूँगा, अगर शॉर्ट चाहिए तो मैं शॉर्ट डाल दिया करूँगा। तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा कि आपको शॉर्ट वीडियोज़ चाहिए या लॉन्ग चाहिए।